सो हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोगों को, आप अपने फेसबुक का जो भी आपका अकाउंट है उस पर आप बोनस कैसे मिल सकता है, उसको कैसे मोनेटाइज करवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। जैसे स्टेप बाई स्टेप आपको बताएं वैसे आप करोगे तो आपका भी फेसबुक का जो पेज है वो मोनेटाइज हो जाएगा और उस पर आपको रील्स बोनस जो है वो आपको मिलने लगेगा। ओके, तो गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे जो है देखिए, हमें बोनस का ऑप्शन मिला, तो ये आपको सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र में अपने फेसबुक की आईडी को लॉगिन कर लेना होगा। तो यहाँ से देखिए हमारी ये फेसबुक आईडी है, तो इसको हम कर लेते हैं लॉगिन। और लॉगिन करने के बाद वो आपको क्या करना है वो भी आपको सब बताते हैं डिटेल बाई डिटेल। तो इतना करने के बाद जो है यहाँ पे हम अपनी फेसबुक आईडी को हमने सर्च कर लिया, और सर्च करने के बाद जो है हमने इसको लॉगिन कर लेते हैं। ओके, क्रोम ब्राउज़र में हम अपनी फेसबुक की आईडी को लॉगिन कर लेते हैं। तो हमने जो है यहाँ पे देखिए हमारी फेसबुक की आईडी यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र में लॉगिन हो गई। और जी लॉगिन होने के बाद जो है आपको क्या करना होगा, यहाँ से जो है आपको फिर बैक आ जाना है। तो आपको इसको बिल्कुल कट मत करना, आपको जो है जैसे कि बैक साइड नहीं होता तो आपको बैक साइड कर देना है इसको, यानी कि इसको हटा देना है। और उसके बाद आपको अपने फेसबुक अकाउंट पे आ जाना है। फेसबुक अकाउंट पे आने के बाद जो है यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल में आ जाना है। यहाँ पे जो है आपके चैनल दिख जाएंगे, कौन सा चैनल आपको मोनेटाइज करवाना है तो उसको आपको ऑन कर लेना होगा। उसको ऑन करने के लिए यहाँ पे हमने इसको ऑन कर लेते हैं, ये एक चैनल। और अब हम इसकी चैनल की प्रोफाइल में जाते हैं, तो यहाँ पर हम चैनल की प्रोफाइल में चले गए। और प्रोफाइल में जाने के बाद इसके अंदर हम यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर जो है आपको कैटेगरी सेलेक्ट करके रखनी होगी, आपका चैनल आपका जो भी पेज है वो किस कैटेगरी का है। तो हमने वीडियो क्रिएटर का यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा है, तो आप लोग भी अपना सेलेक्ट करोगे जब भी आपको ऑप्शन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ओके, तभी आपका यहाँ पर मोनेटाइज होगा। तो यहाँ पे जो हमारा ये क्रिएटर पहले से है, हमने इसको सेलेक्ट करके रखा था वीडियो क्रिएटर, तो हमें जो है वीडियो क्रिएटर यहाँ पर शो कर रहा है। ओके, अब जहाँ पर आप मोनेटाइज करवाओगे अपने चैनल, वहाँ पर जो है आपको इसको करना होगा। यहाँ पर जो है आपको google.com इस पर टाइप करना, इतना टाइप करना है अपने क्रोम ब्राउज़र में। इतना टाइप करने के बाद जो आपको अपनी वो आईडी बंद नहीं करनी जो आपने अभी लॉगिन करी थी, उसको भी ऑन रखना है। यहाँ पे आपको फेसबुक मिल जाएगा, यहाँ पे आप जूम आउट करके दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा। यहाँ पे हम जो है इसको जूम कर देते हैं थोड़ा, और यहाँ पे आपको मोनेटाइज का ऑप्शन मिल जाएगा दूसरे नंबर पर, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना। ओके, यहाँ पर आपको पहली वेबसाइट के ऊपर नहीं, आपको जो दूसरी वेबसाइट दिख रही है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है फिर आपको मोनेटाइज अपना करवाना होगा, जो भी आपका फेसबुक का पेज है उसको आप मोनेटाइज करवाओगे। ओके, इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए मोनेटाइजेशन टूल्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि आपने इसी के ऊपर क्लिक किया था। तो यहाँ पे जो है आपको जूम करके दिखा देते हैं थोड़ा सा, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको इस पर प्रोसीड वाले पर आपको क्लिक कर देना होगा। ओके, यहाँ पर आप ये सेटिंग देखिए, प्रोसीजर वाले पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो आपको बोनस का ऑप्शन मिलेगा, बोनस पर आपको क्लिक कर देना है। और बोनस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखा देते हैं जूम थोड़ा करके। गाइस यहाँ पे जो है आपको जो जो सेटिंग बता रहे हैं उसी तरह से आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पे फेसबुक पेज जो है मोनेटाइज होगा। यहाँ पे आपको अर्निंग यहाँ पर शो कर रहा हो, अर्निंग शो नहीं करेगा तो यानी कि इसका मतलब आप एलिजिबल नहीं हो अभी फेसबुक पेज को मोनेटाइज करवाने के लिए, और ना ही आपको अभी बोनस मिलेगा। बोनस जो भी है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो आपको कुछ डिटेल मांगी जाती है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, जो आप अपनी नॉर्मली जो होती हैं वो उन सबको भर दीजिए। और यहाँ पे जो है आपको ये सब भर देना होगा। और इतना करने के बाद जो है यहाँ से हम इस पर आ गए, और यहाँ पे हमारा ये ब्लॉक चैनल आपको दिख जाएगा, जो भी आपके ब्लॉक चैनल है उस ब्लॉक चैनल को हमने ओपन कर लिया। यहाँ पर आपको सबसे पहले देखिए चैनल की कैटेगरी पूछी जाती है, यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ई मेल आई डी, और यहाँ पर चैनल की जो आपका चैनल था हमने अभी बोला था आपका चैनल किसी कैटेगरी में आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा वीडियो क्रिएटर है, तो हम इसको वीडियो क्रिएटर वाले पे क्लिक कर देते हैं। ओके, यानी कि वीडियो क्रिएटर यहाँ पे हमें इंटर करना होगा, आपका जिस कैटेगरी का उस कैटेगरी को आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। तो यहाँ पर जो है हमने वीडियो क्रिएटर टाइप कर दिया, और इतना करने के बाद जो है यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन, यानी कि सबमिट का भी सेव का भी ऑप्शन मिलता है कभी कभी, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे। ओके, यहाँ पे जो आप अपना इंस्टाग्राम का URL यानी कि इंस्टाग्राम की आईडी देना चाहते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी भी दे सकते हैं जी, इससे आपको इंस्टाग्राम में भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी इसी तरह से। तो इतना करने के बाद यहाँ पे जो कि हमने ये हम लगा देते हैं अपनी इंस्टाग्राम का, हमारा URL पहले से लगा हुआ है,
आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, ये ऑफिशियल है, आप लगाना चाहते लगाइए, ना लगाना चाहते कोई बात नहीं। ओके, यहाँ पे जो है आपको ये देखिए अर्निंग के रिलेटिव कुछ यहाँ पे शो करेगा, तो आपको अर्निंग वाले पे क्लिक कर देना और अर्निंग्स सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे आपको ये आपकी जितनी भी सेटिंग थी ये आपने पूरी कंप्लीट कर दी, जो भी आपको यहाँ पे करना था, और आपको सबमिट पे क्लिक कर देना। और आपका जो है यहाँ पे फेसबुक का जो भी यहाँ पे आपका पेज होगा वो जो है मोनेटाइज हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से जो है आप अपना फेसबुक का जो भी पेज है उसको आप मोनेटाइज के लिए भेज सकते हो। और जैसे कि किसी किसी का पहली बार में यहाँ पर मोनेटाइज नहीं होता है, तो आप जो है दोबारा भी यहाँ पे फेसबुक को जो है आप अपना फेसबुक चैनल जो भी है फेसबुक का जो भी पेज है उसको आप दोबारा यहाँ पे मोनेटाइज करवा सकते हो। लेकिन आप इसमें एलिजिबल हो जरूर, एलिजिबल नहीं होगे तो आपको यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको बोनस ऑप्शन नहीं मिलेगा, ना ही आपको बोनस कोई मिलेगा। ओके, और आपको अपने चैनल की जो कैटेगरी है वो कैटेगरी पहले सेलेक्ट कर लेनी, और सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे google.com में जाके अप्लाई कर देना होगा। और आपको जो है यहाँ पे जो भी एक हफ्ता दो हफ्ता दो सप्ताह तीन सप्ताह जो भी यहाँ पे लगे टाइम, और उसके बाद जो है आपका फेसबुक का पेज जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा, और आपको यहाँ पर उस चैनल से जो है एक बहुत अच्छी अर्निंग होने लगेगी, और आप भी घर बैठे यहाँ पर अर्निंग कर पाओगे। ओके, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और इस वीडियो में आपको कुछ समझ में ना आया तो आप हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक वीडियो मिलती रहेंगी आपको असलम क्रिएटर चैनल पर। और मिलती हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।